एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कैलोरी मेंटेनेंस को लेके, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैलोरी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं दो टॉपिक को लेके। फर्स्ट टॉपिक है कैलोरी कंजम्पशन एंड कैलोरी एडजस्टमेंट, और सेकेंड टॉपिक है फूड्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू बैलेंस अ कैलोरी लेवल। तो इस फर्स्ट टॉपिक को मैंने बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है वेट लॉस, सेकेंड है वेट मेंटेनेंस, और थर्ड है वेट गेन। तो ये कैटेगरीज डिस्कस करने से पहले बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ मेरा वेट अप्रोप्रिएट है, या फिर मुझे वेट लॉस करना चाहिए या फिर गेन करना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल मैथ्स फॉर्मूला यूज होता है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहते हैं, या फिर BMI। तो BMI बेसिकली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट हम केजीज में लेते हैं और हाइट मीटर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो मेरा वेट है 65 केजीज और मेरी हाइट है 1.73 मीटर्स, तो उसका मैं स्क्वायर ले रहा हूँ फॉर्मूले के हिसाब से। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर आएगा 21.7, ये मेरी BMI वैल्यू है। ओके, तो मैंने यहाँ पे BMI चार्ट मेंशन किया है जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड है, रेंज और रिमार्क्स। तो जैसे मेरा वैल्यू आया 21.7, तो ये रेंज में वेरी होता है 18.5 टू 24.9, जो कि नॉर्मल रेंज है। अगर किसी का 18.5 से BMI वैल्यू आ रहा है लेस, तो वो अंडरवेट है। सेकेंड सेमली अगर 25 टू 29.9 के इसमें अगर रेंज हो रहा है तो ओवरवेट है, और 30 प्लस अगर किसी का जा रहा है BMI वैल्यू तो ओबेस्ड है। तो ये वो BMI। सेकेंड आते हैं कैटेगरीज पे। तो जैसे मैंने बोला था फर्स्ट कैटेगरी है वेट लॉस, तो इसमें भी सेम सिंपल मैथ्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, जो कि है वेट इन केजीज मल्टीप्लाइड बाय 29। तो इसे हम वेट लॉस, जो कैलोरी इंटेक होना चाहिए पर डे का, वो हम जान सकते हैं। वेट मेंटेनेंस के लिए वेट इन केजीज मल्टीप्लाइड बाय 34, और वेट गेन के लिए वेट इन केजीज मल्टीप्लाइड बाय 40। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मुझे वेट गेन करना है तो मेरा वेट है 65 केजीज इंटू 40, मेरा वेट इस फॉर्मूला में डाल रहा हूँ, तो 65 इंटू 40, तो इसका वैल्यू आता है 2600 कैलोरीज। ये इतना मेरा पर डे का इंटेक होना चाहिए। ओके, अभी 3500 कैलोरीज ये 1 pound के इक्विवेलेंट होता है। मतलब जब भी मैं 3500 कैलोरीज इंटेक कर रहा हूँ या फिर कंज्यूम कर रहा हूँ, तभी मेरा वेट 1 pound से इंक्रीज होगा। और 1 pound ये इक्विवेलेंट होता है 0.4535 केजी। ओके, तो अगर मैं 2600 कैलोरीज पर डे इंटेक कर रहा हूँ, तो मेरा वीकली कंजम्पशन कितना होगा? तो मैं इसे 2600 कैलोरीज को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके आंसर आएगी 18200 कैलोरीज पर वीक। इतना मेरा वीकली कंजम्पशन होगा। तो अगर मैं इसे 18200 कैलोरीज को इससे डिवाइड कर रहा हूँ 3500 कैलोरीज से, तो इसकी आंसर आएगी 5.2, ये होगा पाउंड्स। मतलब मैं 5.2 पाउंड्स इंक्रीज कर सकता हूँ वीक में। अभी हम इस 5.2 पाउंड्स को अगर केजी में कन्वर्ट कर रहे, तो 5.2 इंटू 0.4535 इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसकी आंसर आएगी 2.35 केजीज। तो मैं 2.35 केजीज इतना मैं वीकली इंक्रीज कर सकता हूँ अगर मुझे वेट गेन करनी है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर गए तो। ठीक है, तो ये बात हुई कैलोरी कंजम्पशन एंड कैलोरी एडजस्टमेंट। अभी बात करते हैं कि इस कैलोरी चार्ट से हम कौन से फूड और कौन से इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे जो भी आपका एम रहेगा इस तीनों कैटेगरी में से। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, या फिर वेट मेंटेन रखना चाहते हो, या फिर वेट गेन करना चाहते हो, तो अभी ये फॉर्मूले से आपने आपकी कितने कैलोरीज इंटेक होना चाहिए पर डे का निकाला आपने, तो अभी इसे बैलेंस आप कैसे रख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सेकेंड लेता हूँ वेट मेंटेन, अगर मैं रखना चाहता हूँ। तो वेट मेंटेनेंस के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ,
तो वेट इन केजीज अभी मेरा है 65 × 34, अगर मैं कर रहा हूँ इसकी आंसर आती है 2210 कैलोरीज पर डे। तो ये मेरा पर डे का इतना होना चाहिए अगर मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। तो इसे मैं क्या करूँगा, 5 meals में डिवाइड करूँगा। तो अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसकी आंसर आएगी 442 कैलोरीज। ये अभी 442 कैलोरीज मैं 5 meal में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी 5 meal कौन से है, फर्स्ट मील है ब्रेकफास्ट, सेकेंड है मॉर्निंग स्नैक्स, थर्ड लंच, फोर्थ स्नैक इवनिंग स्नैक्स और फिफ्थ है डिनर। तो इसमें लॉजिक क्या होता है, इसमें ये लॉजिक होता है कि कोई कोई लोग 2 से 3 बार दिन में खाते हैं, ओके। तो इससे क्या होता है, वो एक ही बार में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इससे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कैलोरी मेंटेनेंस करने को बहुत ही दिक्कत आती है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम में अगर हम खा रहे, थोड़ा मतलब कुछ गैप रख रहे 2 से 3 घंटे का, तो बेटर रहेगा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और अपना कैलोरीज को भी आप मेंटेन कर सकते हो प्रॉपरली। तो अभी यहाँ पे अपनी वैल्यू आई 442 कैलोरीज। तो इसे मैं हर एक मील में 442 रखूंगा। तो इससे क्या होगा, अभी फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ब्रेकफास्ट में अभी 442 कैलोरीज रखनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या इंग्रेडिएंट्स या फिर क्या फूड स्टफ्स मैं प्रीफर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए कि पोहा, उपमा, मिल्क या फिर ऑलमंड, वॉलनट, ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसे आप आपके कैलोरी इंटेक से एडजस्ट कर सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पे 442 चाहिए, तो आपने समझो पोहा खाया, फिर उपमा खाया या फिर कुछ ऑलमंड्स खाया, तो उसे आपको 442 कैलोरीज तक लाना है। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, बट जस्ट अप्रोक्स थोड़ा क्लोज होना चाहिए वो वैल्यू के, ओके। और जो डेली कंजम्पशन है ये अगर आपको मेंटेन रखना है तो ये कंपलसरी इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट हुआ अपना ब्रेकफास्ट, सेकेंड से मॉर्निंग स्नैक्स, उसमें भी आप फ्रूट्स वगैरह प्रीफर कर सकते हो। तो कौन से फ्रूट्स है, जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, मौसम्बी, प्रोमोग्रेनेट, फिर जो लिक्विड फ्रूट्स रहते हैं वो आप ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो, या फिर फ्रूट सलाद प्रीफर कर सकते हो। सेकेंड कोकोनट वाटर अच्छा होता है जिसमें 49 कैलोरीज होते हैं, या फिर छाछ अच्छा है कैलोरीज के लिए, 45 कैलोरीज रहते हैं, लेमन वाटर। फिर लंच में जैसे आप व्हीट चपाती प्रीफर कर सकते हो जिसमें 73 कैलोरीज है एक रोटी में। ग्रीन वेजेस या फिर वेज सलाड, ब्राउन राइस, नॉर्मल राइस से बेटर है ब्राउन राइस अगर आपने प्रेफर किया तो, क्योंकि उसमें लेस कार्ब्स होते हैं, तो ब्राउन राइस आप प्रेफर कर सकते हो। फोर्थली इवनिंग स्नैक्स में सेम जो आप मॉर्निंग स्नैक्स में प्रेफर कर रहे हो, ऑलमोस्ट वही चीज़ें आप इवनिंग स्नैक्स में भी प्रेफर कर सकते हो। और लास्टली डिनर में, डिनर में सेम जो लंच में आपने प्रेफर किया वही कर सकते हो। अगर चाहिए तो आप चिकन का प्रेफरेंस रख सकते हो या फिर ऑल्टरनेट ऑप्शन है ग्रीन वेजेस, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि 5 meal कैसे क्या रखना है, इसको और भी मैंने डिस्कस किया है आगे, तो आप देख सकते हैं इसका हर एक बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है मिल के हिसाब से जो डाले हैं कैलोरीज के साथ, तो आप उसे प्रीफर करके वो भी आप प्रीफर कर सकते हो आपके मील्स में, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ये फर्स्ट चार्ट है जो अभी मैंने वीडियो में डिस्कस की, इसे आप नोट करके रेफर कर सकते हो। और सेकेंड चार्ट है फूड स्टफ्स और कैलोरीज उसके वैल्यूज़ के साथ, इसे भी आप आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।